लोग बोल रहे थे कि बर्मा वालों को बाहर भेजना है अपने देश में, इसलिए मदरसा बंद कर दिया क्योंकि पुलिस पकड़ के ले जा रहे हैं सारे बर्मा वालों को। हमारा सब बहुत बुरे हाल है क्योंकि हम बर्मा से आए हैं हिजरत करके, उधर भी बहुत बुरे हाल है, अभी भी जुल्म चल रही है। हमें तो जो है बर्मा से भी ऐसे तकलीफ उठानी पड़ रही थी, इसलिए हम इधर जो है हमने सोचा यहाँ पर अच्छी तरह रह पाएंगे, ऐसे सोचकर हम यहाँ पर आए। तो यहाँ पर जो है यहाँ के जो सरकार है वो हमसे हमको यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही है। ये सब है ना, ये सब क्लासरूम है, यहाँ पढ़ते भी हैं और सोते भी हैं, सब कुछ यहाँ है। तो रात दिन इधर रहते हैं, सुबह पढ़ाई शुरू होती है 8 बजे और 1 बजे ख़त्म हो जाते हैं, फिर दोपहर की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके नमाज पढ़ने के बाद फिर खाना वाना खा के फिर सो जाते हैं, फिर 4-5 बजे तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद खेलते हैं, फिर मगरिब के बाद जो है दोबारा पढ़ाई शुरू करते हैं रात के 10 बजे तक। हम स्कूल चलाते हैं, स्कूल में हमारा बच्चा तकरीबन 200 तक बच्चा बच्ची पढ़ते हैं और उसी में हमें तकरीबन 3 साल तक हो रहा है अभी बच्चा वहाँ पे पढ़ने वाला, यहाँ से 3 साल हो गया, वहाँ पे 2 साल हो रहा है। जब हालत आया उसी टाइम में हम बंद कर दिया क्योंकि हमारे ऊपर जब हालत आ रहा है सरकार हमें क्या करना चाहते हैं हम होती में नहीं पाता, फिर इसी वजह से हमें फिलहाल बन रखा। हमें अभी पढ़ने नहीं देते ना, अगर पढ़ने नहीं देते तो जितना पढ़ने देते उतना पढ़ते हैं। हम मौलाना बनना चाहते हैं, हाफिज बनना चाहते हैं और कुछ इंग्लिश वगैरह भी पढ़ना चाहते हैं। इंग्लिश मैंने फर्स्ट तक पढ़ी है, मौलाना बनने के बाद फिर से पढ़ना था इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश पढ़ने का शौक है। एक जेल है हीरानगर, वहाँ पर वहाँ उनको जाके जेल में डाल रहे हैं, खाना ना खाना दे रहे हैं ना पीना कुछ भी नहीं, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया इस तरह। डर लग रहा है आपको? हमें तो बहुत डर लग रहा है, इसलिए कोई कैसे के माँ बाप बच्चे जो है माँ बाप से अलग हो गए, इस तरह बहुत तकलीफ हो रही है उनको भी, हमें भी, मदरसे भी बंद हो गए इसी वजह से। जी हमारे ग्लोबल को लेगी पापा को, क्या हुआ उसने सरकार ने बोलती है आप आ जाओ फार्म भरने के लिए, तो पापा को ले गया हमारा फार्म भरने के लिए, तो फार्म भरने के लिए गया उस टाइम पर उसको वापस आने नहीं दिया, तो उधर रख दिया, अभी मैं पढ़ाई करती हूँ। फिलहाल बच्चा तो डर में है, कोई आने जाने नहीं चाहते हैं, और जब यहाँ पे सरकारी कोई गाड़ी देखते हैं पुलिस वगैरह वो बच्चा खुद डर कर घर में घुस जाते या जंगल में घुस जाते, इसी वजह से हमें बच्चों को मना कर दिया बच्चा आने जाने। छः साल से लेकर 15 साल तक तकरीबन 22,000 तक बच्चा बच्चे हैं, शदीद तालीम का ज़रूरत है, लेकिन हमें उतनी इंतज़ाम कर नहीं पाया, तकरीबन 550 को इंतज़ाम कर किया था साल 2-3 साल के अंदर, लेकिन वो भी दर बदर हो गया, अभी कोई चार ही बच्चा परेशानी है, चार ही बच्चा उनका शौक है तालीम हासिल करने की, हम भी एक दिन इंसान बनेंगे कुछ सीखेंगे लेकिन हो नहीं पा रहा है। अच्छा तो नहीं लग रहा है मगर क्या करें, बंद कर दिया, आ नहीं सकते, इसलिए हम जो है आलिम बनना चाहते हैं। मौलवी होता है ना आलिम, वही बनना चाहते हैं, ऐसे करते रहेंगे तो हमारा ख्वाब पूरा नहीं होगा, फिर भी हम कोशिश करेंगे पढ़ाई करने की।